हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ईपीएफओ वाले बच्चे जो यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ। लेकिन बुरा इसमें में नहीं हुआ कि पेपर पोस्टपोन हो गया, बुरा इसमें में हुआ कि पेपर पोस्टपोन होने के बाद आपको फ्यूचर डेट नहीं मिली। पर कुछ भी बुरा ऐसे नहीं होता कि उसके साथ कुछ अच्छा ना आए। अच्छा उसके साथ ये आया कि आपके पास और ज़्यादा समय है तैयारी करने के लिए। तो तैयारी अपनी बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है? नया कैलेंडर आएगा जब यूपीएससी का, तो कुछ भी हो सकता है। होने को एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में ही हो जाए अगले साल, या होने को अगले साल भी अक्टूबर के अराउंड की ही डेट आपको मिले, ठीक है? लेकिन आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। लॉ, गैप, साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी अच्छी होल्ड बना लो, ठीक है? और ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको यूट्यूब पर भी करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से इजीली अब अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो आज का हमने जो टॉपिक करना है दैट विल बी व्हाट, विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेथड्स अडॉप्टेड बाय द ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस वेरियस मेथड्स यूज़ करती हैं अपनी डिमांड्स फुलफ़िल कराने के लिए, अपनी चीज़ों को फुलफ़िल कराने के लिए, ठीक है? अब ये सारी डिमांड्स फुलफ़िल कराने के लिए और जो भी मेथड्स होते हैं उसको हम समझेंगे। लेकिन ये जब हम मेथड्स समझने की बात करते हैं ना, उस समय पे हमें एक चीज़ और देखनी होती है कि पहले हमें फंक्शंस समझने चाहिए कि फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? कि ट्रेड यूनियंस के वेरियस फंक्शंस क्या हैं जो वो परफॉर्म करती हैं। उसी से हमें मेथड्स भी समझ आएंगे कि उन फंक्शंस को फुलफ़िल करने के लिए, उन फंक्शंस को जो उनके जिस रोल के लिए ट्रेड यूनियंस इस्टेब्लिश होती हैं, वो रोल फुलफ़िल करने के लिए मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है? तो ब्रीफली हम फंक्शंस को समझेंगे पहले, फिर मेथड्स के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे एमसीक्यू कोर्सेज हैं जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में से देखकर इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले फंक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद मेथड्स के ऊपर जाएंगे। तो जल्दी से फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए, अब जो ट्रेडिशनल रोल था ट्रेड यूनियंस का, जिसके लिए ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, वो क्या था? एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड करना वर्कर्स का, उनके लिए बेटर कंडीशंस जो है, वर्किंग कंडीशंस जो है लाइफ के लिए, उनको सिक्योर करना, एक्सप्लॉयटेशन उनकी कम करना, मैनेजमेंट की जो आर्बिट्रेनेस थी कि कभी भी वेजेस कम कर दी, कभी भी किसी को भी जॉब से निकाल दिया, उसको ठीक करना, फेयरनेस लेकर आना, इक्विटी लेकर आना एम्प्लॉयमेंट में, इक्वल वेजेस ताकि लोगों को मिल सकें इक्वल वर्क के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए ट्रेडिशनली जो है यूनियंस ने रोल प्ले किया है। लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ जैसे जैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट बढ़ी, वैसे वैसे चेंजेस आने शुरू हो गए वर्कर कंडीशंस में भी, ठीक है? अब ट्रेडिशनली तो देखो, ट्रेड यूनियंस किस लिए लड़ रही थी? कि वर्कर कंडीशंस इंप्रूव करनी है, वेज कंडीशंस इंप्रूव करनी है, बेटर लाइफ देनी है वर्कर्स को। तो देखो, टाइम के साथ साथ वर्कर की कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई, उसके पास उसको वेजेस के लिए भी लॉज बनने शुरू हो गए, बहुत सारे लेजिस्लेशंस पास किए गए जिन्होंने अल्टीमेटली वर्कर की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम किया। साथ ही साथ विद टाइम जो वर्किंग क्लास था वो और ज़्यादा एजुकेटेड होता चला गया, वो और ज़्यादा जो है उसको नॉलेज मिलती जाने लगी कि हाँ भाई मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ एजुकेशन की डेवलपमेंट के साथ अगर आप देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गया। अब वर्कर को पता है कि अगर मेरे को यहाँ पे एक काम के लिए 200 रुपये मिल रहे हैं एक घंटे के, तो क्या दूसरी जगह पे 300 तो नहीं मिल रहे? इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम था नहीं, आजकल तो आपके लॉज हैं वो भी आप टीवी पे एक्सपर्ट्स आपको समझा रहे होते हैं, आपकी बुक्स हैं जो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी रीड कर सकते हो, आप एक दूसरे वर्कर से फ़ोन पर, इंटरनेट के थ्रू, मेल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो वर्कर जो है ये बेटर इन्फॉर्म्ड है, आज का जो वर्कर है ही इज़ यू नो बेटर इन्फॉर्म्ड। अब वर्कर कि इस इम्प्रूवमेंट की वजह से ये जो डेवलपमेंट्स हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में या जो भी सारी इम्प्रूवमेंट्स थी, इनकी वजह से क्या हुआ, अब यूनियंस को भी अपना रोल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, यूनियंस को भी अपने फंक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो पहले यूनियंस का काम था कि भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, बेटर कंडीशन के लिए काम करना है, तो अब वो वाली चीज़ नहीं चलेगी, अब उन्हें दूसरी चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा, इसीलिए यूनियंस को भी जो है एवोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो विद टाइम अगर आप देखो, जो ज्यादातर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस बनी है आपकी इंडिया में या कहीं पे भी, अब ये सेंट्रल ट्रेड यूनियंस किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, ठीक है? अब क्योंकि ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, तो जिन फंक्शंस के लिए कोई एक ट्रेड यूनियन काम करेगी तो उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा कि उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है? उसी हिसाब से उस ट्रेड यूनियन के फंक्शंस जो है वो सेट हो जाएंगे, समझ रहे हो?
पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से। अब जैसे अगर आप एग्जांपल लो, कुछ यूनियंस जो होंगी वो लेफ्टिस्ट प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड होंगी, ठीक है, और ये जो यूनियंस होंगी इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी कि भैया कैपिटलिस्ट सिस्टम को एज अ होल चेंज कर दो, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दो और मार्क्सिस्ट आइडियाज पे आ जाओ, तो पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनको हम कहेंगे जेनरिक फंक्शंस, ये जेनरिक फंक्शंस जो होते हैं ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो जेनरिक फंक्शंस होंगे इनमें पॉलिटिकल एफिलिएशन से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये फंक्शंस तो करने ही करने हैं, परफॉर्म करने ही करने हैं, ओके, तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इन फंक्शंस को बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जेनरिक फंक्शंस कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस की। अब आपके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, इसको डिफाइन किया है आपके फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने भी, ठीक है। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर क्या कहता है कि प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं एक यूनियन के जो यूनियन को हेल्प करते हैं प्रमोट करने में और प्रोटेक्ट करने में अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है, चाहे वो इंटरेस्ट वर्किंग लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट जो है उनकी सिविक एनवायरनमेंट की इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी जो इंटरेस्ट है अगर उसकी इंप्रूवमेंट के लिए काम हो रहा है तो जो है वो उसका प्राइमरी फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। प्राइमरी फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले टू सिक्योर फेयर वेजेस, वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, काम के हिसाब से वेज मिलनी चाहिए। सेकेंड, टू ऑफर रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन इन इंप्रूविंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। अब देखो, सिर्फ वेज इंप्रूव करने, अब कोई लेबर है, कोई वर्कर है, वो काम कुछ कर नहीं रहा, उसकी प्रोडक्शन जीरो है, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, वो काम पर आता है तो वो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, जो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है वो इन्फीरियर क्वालिटी है, तो आप इंप्लॉयर से जाके, एक यूनियन इंप्लॉयर से जाकर लड़ नहीं सकती कि भैया ये देखो ये घटिया क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रहा है फिर भी तुम इसे जॉब पे रखो, फिर भी तुम इसे ज्यादा सैलरी दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक प्राइमरी फंक्शन यूनियन का यहां से ये निकल के आता है कि वो प्रोडक्टिविटी जो है इंप्लॉयी की, वर्कर की, या जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं या जो डिसिप्लिन है वर्किंग क्लास में, उसको भी इंप्रूव करने के लिए काम करे, ठीक है। साथ ही साथ वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस इनकी इंप्रूव होनी चाहिए। अब वर्किंग कंडीशन की तो बात हम देख लेते हैं कि भाई फैक्ट्रीज हैं तो फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए मेन और वुमेन के लिए, रेस्ट प्लेस होनी चाहिए। लेकिन लिविंग कंडीशंस का क्या? वर्किंग कंडीशंस तो उनकी अच्छी हैं पर रह वो गंदी जगहों पर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आपकी ट्रेड यूनियंस को काम करना है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज को एनलार्ज करना, प्रमोशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अगर ट्रेड यूनियंस एजुकेशन के लिए काम करेंगी, अब फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है अपने मेंबर्स को या ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है अपने मेंबर्स को, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है, ठीक है, वो उसकी प्रमोशन के आने वाले जो मौके हैं उनको ओपन कर रही है, क्योंकि एक ट्रेंड वर्कर जो होगा, एक जो सीखने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको आगे अपॉर्चुनिटीज जो है जरूर मिलेंगी। उसके बाद टू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट विद देयर इंडस्ट्रीज। अब देखिए, एक ट्रेड यूनियन, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के मन में कि ट्रेड यूनियन का काम सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का या जो उसके मेंबर्स हैं उसका भला देखना है। देखिए, वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है उस इंडस्ट्री के इंटरेस्ट से। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, अगर उसकी वर्कप्लेस ग्रो करेगी, तभी वो ग्रो करेगा, ठीक है। अगर वर्कप्लेस ग्रो नहीं कर रही, वो लॉस में चलते जा रही है, तो अल्टीमेटली वो बंद हो जाएगी जगह और उनको नौकरी से अपनी हाथ धोना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट अगर वर्कर का इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के साथ जुड़ेगा और इंडस्ट्री का वर्कर के इंटरेस्ट के साथ, तो ही दोनों जो है सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद टू कॉपरेट इन एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए वर्कर्स में, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उनसे अवेयर हो जाएं ताकि वो फर्दर उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प कर सके। ऑलराइट,
तो ये थे प्राइमरी फंक्शंस। अब कुछ न्यू फंक्शंस जो हैं वो भी आ गए हैं ट्रेड यूनियंस के पास। ये ट्रेड यूनियंस के न्यू फंक्शंस का अराइज होने का रीजन था, जो लास्ट फ्यू डिकेड्स में आप अगर देखो जो टर्बुलेंस आया या ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, नेशनल बाउंड्रीज को रीडिफाइन किया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हिंदुस्तान जैसे देशों में आए, डब्ल्यूटीओ का इन्फ्लुएंस बढ़ा, पॉलिसी मैटर्स आए, इकोनॉमिक रिसेशन आया आपका 2009 में, तो इन सारी चीजों ने इंप्लॉयमेंट पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर दिया और नए सेक्टर आने लगे इकोनॉमी के। आजकल हम बात करते हैं तो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा जो है यूनियंस के चेंज आने लगे और इन चेंजेस के साथ फंक्शंस में भी चेंज आए। तो कुछ नए फंक्शंस जो डिफाइन किए जाते हैं वो है सबसे पहले कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर आप देखो जो बड़े ट्रेड यूनियंस हैं तो वो अपने खुद के न्यूज़लेटर्स या अपनी खुद की मैगजीन्स जो है वो पब्लिश करते हैं। अब इन न्यूज़लेटर्स और मैगजीन्स को पब्लिश करने का मेन रीज़न क्या होता है कि वो पॉलिसी को क्लैरिफाई कर सकें, अपनी पॉलिसी को, अपनी यूनियन की पॉलिसी को क्लैरिफाई कर सकें। अगर कोई प्रिंसिपल इशू है, कोई भी दिक्कत है, तो उस पर यूनियन अपना स्टैंड क्लियरली दे सके कि हाँ हमारी यूनियन का ये स्टैंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम वेज सेट कर दी सरकार ने, सरकार कहती है कि 300 rupees पर आर इज द मिनिमम वेज, ठीक है, पर यूनियन अपनी न्यूज़लेटर में लिख देगा कि नो दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये एक तरह से क्या तरीका है, ये अपनी बात को रखने का तरीका है, अपनी बात अपने मेंबर्स तक भी पहुंचा दी और अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक भी पहुंचा दी कि नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस 300 rupees पर आर वेज। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर आप देखो इंडियन वर्कर एक जो है मैगजीन है, फोर्टनाइटली मैगजीन है जिसको पब्लिश करती है आपकी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इस तरह का सवाल सीधा पेपर में पूछा जा सकता है कि ये इंडियन वर्कर नाम की जो एक फोर्टनाइटली मैगजीन है ये कौन पब्लिश करता है, तो आप क्या कह दोगे कि दिस इज पब्लिश बाय INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसको पब्लिश करता है, क्लियर है। तो इस तरह के सवालों के लिए आपने हमेशा जो है तैयार रहना है, ओके। किसी को कोई यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप जो है सवाल में पूछ कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेलफेयर एक्टिविटीज। वेलफेयर एक्टिविटीज में अब सिर्फ वर्कर वेलफेयर नहीं आ गया, वर्कर की फैमिली को भी कंसीडर किया जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी हैं, आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी फैमिली में खुशी है, खुश हैं सब या नहीं है। सिमिलरली इज विद वर्कर, अगर वर्कर को फैसिलिटियाँ मिल रही हैं तो वो चाहेगा कि उसके फैमिली को भी अच्छी फैसिलिटीज मिली। ओके, अब वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या आ जाता है, जैसे हाउसिंग एंड स्कूलिंग फॉर वार्ड्स, बच्चों की स्कूलिंग फैसिलिटीज। उसके बाद आइटम्स एट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी यूनियन है तो वो अपनी कैंटीन्स बना देते हैं एरियाज में कि अगर यहाँ से आप अपनी मेंबरशिप कार्ड दिखाइए और आपको जो है सस्ते दामों में चीज़ें मिलेंगी, तो इस तरह की चीज़ें जो है आ जाती हैं। कॉपरेटिव सोसाइटीज जो हैं फाइनेंशियल नीड्स में हेल्प करती हैं वर्कर्स को। काउंसलिंग, अगर वो किसी मैटर के ऊपर, किसी इशू के ऊपर काउंसलिंग चाहते हैं तो उसमें ये हेल्प करेंगे। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ठीक है, तो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि जो वर्कर है उसका माइंड जो है वो स्टेबलाइज्ड रहे, ठीक है। एक बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशंस होती हैं उसमें वो अपने आप को बेटर डील कर सके। उसके बाद एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वर्कर्स के लिए, उनकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए, वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए काम किया जाता है। रिसर्च, अब देखिए रिसर्च की क्या ज़रूरत होती है, अब जब कलेक्टिव बार्गेनिंग, जब आप टेबल पर बैठते हैं और आप एम्प्लॉयर्स के सामने अपनी डिमांड रखते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास आपके रिसर्च पेपर्स हैं, ओके, आपको पता है कि जो आप बात करने जा रहे हो क्या वो जेन्युइन बात है, जो आप डिमांड्स रखने जा रहे हो क्या वो डिमांड्स पूरी भी होंगी या नहीं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप अनजेन्युइन डिमांड्स रख दो जो इम्पॉसिबल हो जाए एम्प्लॉयर के लिए फुलफिल करना। अब फॉर एग्जाम्पल अभी करंट मिनिमम वेज अगर फॉर एग्जाम्पल 300 rupees पर आ रहा है, तो आप अगर टेबल पर जाओगे तो आप कह दोगे ठीक है 400+ R कर दो या 500+ R कर दो, इतना तो इंप्लॉयर सोचेगा भी करने का। लेकिन अगर आप सीधा 300 का 3000 per hour मांगोगे तो वो कह देगा नहीं भैया हमें तो जो करना कर लो, हम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आपके एनालिसिस होने चाहिए,
वेज डिमांड करनी है या जो भी आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप देखो ऐसी ही एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो रिसर्च विंग जो है उसका नाम है इंडियन लेबर रिसर्च सेंटर, ये आपके भारतीय मजदूर संघ का रिसर्च विंग है, ठीक है। ये सारा ये सब रिसर्च करके ट्रेड यूनियन को हेल्प करता है अपनी डिमांड्स को साइंटिफिक अप्रोच के साथ रखने की। ऑलराइट, अब फंक्शंस हमने देख लिए, अब हम समझते हैं जल्दी से मेथड्स। अब ये फंक्शंस हैं, ये गोल्स हैं, अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ मेथड्स जो हैं उठाने पड़ेंगे। अब किसी भी एक ट्रेड यूनियन, ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियंस एक फिक्स्ड मेथड यूज करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस जो हैं अडॉप्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी देखो हर चीज में बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। आइडियोलॉजी हर चीज में बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम ट्रेड यूनियंस का कोई भी कंसेप्ट समझते हैं तो उसमें आइडियोलॉजी का पॉइंट आता ही आता है, और ये आइडियोलॉजी हमने समझने की कोशिश की थी थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म में, ठीक है। थ्योरीज वाले एरिया में हमने यही सब पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को हमने समझा था। तो अगर किसी को आइडियोलॉजीज में अभी कंफ्लिक्ट है तो वो वीडियो जरूर देख ले, प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो सारी डली हुई है। चलिए, अब एक आपके वेब एंड वेब करके थिंकर हुए हैं जिनको हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, तो इन्होंने मेथड्स प्रपोज किए हैं, डिफरेंट मेथड्स जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो तीन मेथड्स इन्होंने बोले हैं कौन से जो यूज किए जाते हैं बाय द ट्रेड यूनियन। सबसे पहले म्यूचुअल इंश्योरेंस, दूसरा कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड थर्ड इज योर लीगल एनेक्टमेंट। हम तीनों को एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस की। तो बेसिकली म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह से एक एक्सचेंज फीस होती है जो मेंबर को पे करनी पड़ती है यूनियन को, और उस फीस के बदले यूनियन जो है उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, अब यहां पर वर्ड इंश्योरेंस है तो जरूरी इसका वर्ड ये नहीं है कि वो सिर्फ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ठीक है। इट इज लाइक अ मेंबरशिप फीस, ऑलराइट। जैसे आप कहीं जाते हो किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हो तो फीस पे करते हो ना वहां पे, तो एक तरह से ये मेंबरशिप फीस होती है। अब इससे क्या होता है, कॉमन फंड क्रिएट हो गया यूनियन का। अब मेंबर्स इसमें रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस पैसे को यूज किया जाएगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जिससे मेंबर्स को म्यूचुअल बेनिफिट हो सके, ठीक है। अब ये जो बेनिफिट होगा ये यूनियंस को हेल्प करता है कि वर्कर्स जो हैं वो इंप्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस में एक्सेप्ट कर लें जो ट्रेड के लिए इंजूरियस हो, ठीक है। देखिए वर्कर जो है वो अगर एक गरीब आदमी है और वो कहीं पर काम कर रहा है तो उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, उसको अपनी फैमिली को भी जो है उसका भी ध्यान रखना है और सारे उसके खर्चे भी पूरे करने हैं, तो एम्प्लॉयर कई बार इन सिचुएशंस का फायदा उठाते हैं, ठीक है। वो उसको कह देते हैं कि भाई देख तुझे वैसे तो कहीं जॉब मिलने वाली है नहीं, हम तुझे इतने पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास नौकरी कर ले। तो एक तरह से जो है शोषण जिसको आप कहते हो वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा फंड बना हुआ है तो यूनियंस क्या कह रही है कि तू चिंता मत कर, तू अभी अपनी सिचुएशन के ऊपर है। और इसमें देखो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसमें इफेक्ट जो होता है ना क्या होता है कि अगर एक वर्कर ने या दो वर्कर्स ने या पांच वर्कर्स ने डिमांड मान ली ना एक बार एम्प्लॉयर की, तो फिर सबको आना पड़ता है उसमें एम्बिट में। इसीलिए यूनियंस क्या कहते हैं कि तू चिंता मत कर, जब तक तुझे जॉब नहीं मिलती हम इस फंड में से तेरा ध्यान रखेंगे, तूने इसकी रेगुलर मेंबरशिप फीस दी है, तू हमारी यूनियन का मेंबर है, वील टेक केयर ऑफ यू। तो एक तरह से जो है प्रिवेंट कर रहा है वर्कर्स को कि वो जो इंजूरियस टर्म्स एंड कंडीशंस जो एम्प्लॉयर ने फ्रेम की हैं उनको ना एक्सेप्ट कर ले। ऑलराइट, अब वेब्स जो हैं वो इस म्यूचुअल इंश्योरेंस के मेथड को क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट इज अ फ्रेंडली सोसाइटी। एक तरह से एक फ्रेंडली सोसाइटी बन जाती है जिसमें सब लोग अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉर असिस्टेंस ऑफ द वीक। ऑलराइट, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंडली सोसाइटी किस मेथड को बोला गया है, तो आप कह दो कि म्यूचुअल इंश्योरेंस को, या किसने दिया है, वेब्स ने। इस तरह के सवाल 2017 के पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अब देखो म्यूचुअल इंश्योरेंस जो है, अब आप कहो कि सर इंश्योरेंस का काम करने वाले तो और भी बहुत लोग हैं, किसी LIC वाले से इंश्योरेंस करा लेते, तो इंश्योरेंस प्राइमरी पर्पस नहीं है ट्रेड यूनियन का, ठीक है। और इससे इसकी लीगल स्टैंडिंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर इसकी जगह यूनियन की जगह कोई प्राइवेट बॉडी या कोई और कोई बॉडी इसको परफॉर्म करेगी तो वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो फिर क्यों ट्रेड यूनियंस म्यूचुअल इंश्योरेंस की पंगे में पड़ती हैं। इससे होता क्या है, फंड दे रहा है अब कोई बॉडी को, किसी आप कहीं पे पैसा दे रहे हो, आपने हर महीने वहां पे पैसा दिया तो आपकी वहां पे लॉयल्टी हो जाएगी उनके साथ, एक तरह से आप जुड़ जाओगे। एक साल दो साल आपने पैसा दिया तो फिर आपको लगेगा यार मैंने इतने साल इसको पैसा दिया है, मैं अब इस ट्रेड यूनियन को छोड़ के नहीं जाता। अगर आपने उस ट्रेड यूनियन में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया
तो फिर तो आप कभी भी छोड़ दोगे उस ट्रेड यूनियन को। वर्कर्स आएंगे जाएंगे जब उनका मन करेगा, जब मन करेगा ज्वाइन कर लेंगे, जब मन करेगा छोड़ देंगे। लेकिन एक जगह पे जहां पर पैसे भरे हुए होंगे आपने, तो आप उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे। तो एक तरह से ये क्या करता है, ये वर्कर्स को बाइंड कर देता है ट्रेड यूनियन के साथ, उसकी लॉयल्टी बिल्ड करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है म्यूचुअल इंश्योरेंस का। ठीक है, अब जो वेब बैंक जिन्होंने म्यूचुअल इंश्योरेंस का सारा फंडा दिया, इन्होंने कुछ एडवांटेजेस बताए कि इस म्यूचुअल इंश्योरेंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले ये मोटिवेट करता है रिक्रूट्स को कि वो यूनियंस ज्वाइन करें। ठीक है, मोटिवेशन कैसे, बेनिफिट्स बताए जाएंगे कि आप इस यूनियन को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, आपकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, इस फंड में से जो आप कंट्रीब्यूट करोगे हम आपके बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, तो ये सब जो है मोटिवेट करेगा रिक्रूट्स को ज्वाइन करने में। ठीक है, कमिटमेंट लेकर आएगा, लॉयल्टी लेकर आएगा यूनियन के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो कंटिन्यूअसली जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड की तरफ अपना पैसा, तो ऑटोमेटिकली लॉयल्टी उनमें बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमने पहले देखा कि जो अनएम्प्लॉयड मेंबर होंगे वो मजबूर नहीं होंगे अब कि वो जो कंडीशंस हैं जो एम्प्लॉयर उनके ऊपर इम्पोज करना चाहता है, जो हार्मफुल कंडीशंस इम्पोज करना चाहता है, वो उसको एक्सेप्ट करें। एक तरह से मॉरल इन्फ्लुएंस भी आता है एम्प्लॉयर्स के ऊपर। ठीक है, देखो फंड बना हुआ है तो इंप्लॉयर भी सीरियसनेस को समझ जाता है, और जब वो सीरियसनेस को समझ गया इंप्लॉई की या यूनियन की, तो उससे उस यूनियन की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, जब एक टेबल पे दो लोग बैठे हैं जो आपस में एक दूसरे के सामने अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, अगर एक को ये पता है कि भाई दूसरा बंदा तो बड़ा कमजोर है, तो वो ताकत दिखाएगा उसको। लेकिन अगर दूसरे आपको ये पता है कि नहीं, ये इसके अगर ऐसा नहीं है कि मैं इसकी डिमांड्स को इग्नोर कर दूं तो ये यहीं पे बैठेगा नहीं, तो वो आप उसको सीरियसली लोगे, आप उसकी डिमांड्स को भी ध्यान से सुनोगे और आप एक मिडल ग्राउंड पे आने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी बार्गेनिंग पावर, जो यूनियन की बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। ओके, अब म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या है, ये पॉपुलर है इंडिया में? अब अगर आप पॉपुलैरिटी देखो तो ये ज्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जो यूनियंस हैं वो भी फाइनेंशियली वीक हैं, और हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो भी फाइनेंशियली वीक हैं। अगर यूनियंस वर्कर्स को ये कह देना कि आपने हर महीने इतने पैसे देने हैं, तो वर्कर यूनियन ज्वाइन ही नहीं करेगा बिकॉज ऑफ हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस। वो कहेगा रहने दे भाई, मेरे को वो 50 रुपये कम दे देगा वेज सैलरी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हर महीने यहाँ पे ऐसे पैसा नहीं भर सकता। ठीक है, लेकिन ये आपको डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड सोसाइटीज में जैसे यूके और यूएस, वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन दिखेंगी म्यूचुअल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज। अब इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि क्या म्यूचुअल इंश्योरेंस एज अ मेथड अडॉप्टेड बाय ट्रेड यूनियंस टू फुलफिल देयर फंक्शंस, टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इज अ कॉमन मेथड इन इंडिया। तो आप उस स्टेटमेंट को क्या कह दोगे कि दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि ये एक कॉमन मेथड इंडिया में नहीं है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको इस तरह से ये चीजें जो है हेल्प कर सकती हैं। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में बेसिकली क्या होता है, ये एक मेथड होता है ट्रेड यूनियंस का, जिसमें ये बेसिकली मेथड ओरिजिनेट कब हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ जब ट्रेड यूनियंस को लीगल रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, वर्कर्स की जो यूनियन थी वो लेजिटिमाइज हो गई लॉ के द्वारा। अब देखो, इंडिविजुअल वर्कर अगर अपनी डिमांड रखने जाता है तो इंप्लॉयर उसको सीरियसली नहीं लेता, इसी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का फंडा जो है ओरिजिनेट हुआ कि सारे वर्कर्स, अगर 100 वर्कर्स हैं, वो इकट्ठे होके अपनी एक ऑर्गेनाइज चैनल के थ्रू अपनी डिमांड को पुट करेंगे तो दैट विल हेल्प देम बेटर। ऑलराइट, तो इसी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेथड जो है निकल कर आया। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपको ये याद रखना है कि सिर्फ इंप्लॉयज ही नहीं है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेथड यूज करते हैं, इवन द इंप्लॉयर्स यूज द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंप्लॉयज, इंप्लॉयर्स भी यूनाइट होकर के टेबल पर बैठते हैं कि हाँ भाई सारे इंप्लॉयर्स बैठ गए एक इंडस्ट्री के, अब हम कलेक्टिवली बात करेंगे सारे वर्कर्स से। ये इसीलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो, ओके बैटरीज लो, कोई बात नहीं, इसको भी लगा देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कहीं पर भी कि वर्कर्स जो है वो डिमांड ऐसी रख दें जिसको फिर यूनियन में इंप्लॉयर्स ही अलग अलग हो जाए। ऑलराइट, गिव मी अ मोमेंट नाउ।
ओके सॉरी फॉर द डिले. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग डिस्कस कर रहे थे, तो एम्प्लॉयर्स भी यूनाइट करते हैं, मैंने आपको बताया. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है, इट इज कंसिडर्ड एज अ मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इससे एक तरह से डेमोक्रेसी आती है, क्योंकि ये वर्कर्स को हेल्प करता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. ठीक है, क्योंकि देखिए अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पता है, उनकी मैनेजमेंट को पता है कि अगर वो बिना कंसीडर किए, वर्किंग क्लास को बिना कंसीडर किए कोई डिसीजन ले लेंगे तो उससे क्या हो सकता है, एक नेगेटिव रिस्पांस आ सकता है जो अल्टीमेटली कैन लीड टू स्ट्राइक्स एंड ऑल. तो पहले ही कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, वो यूनियन के लीडर्स को बुलाएंगे कि कम ऑन टू द टेबल एंड लेट अस डिस्कस सम फ्यू थिंग्स अबाउट इट. तो इससे क्या आया, एक तरह से वर्कर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इससे एक एलिमेंट आ गया इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का जो पहले नहीं था. ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ब्रॉट इन द एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. अब अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें तो आप देखो ये वेरियस इंडस्ट्रीज में और लेबर मूवमेंट में, जैसे यूएस यूके जैसी कंट्रीज में, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में काफी अच्छे से डेवलप्ड है. लेकिन इंडिया में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इंडिया में जो ट्रेड यूनियंस हैं दे आर एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, दस दे आर कंट्रोल्ड बाय पार्टीज रिगार्डेड एज आउटसाइडर्स. इन पॉलिटिकल पार्टीज को आउटसाइडर्स बोला जाता है. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है बाहर से इन ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करती हैं और ये अपने काम, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं. इनका ध्यान ज्यादा उस चीज के ऊपर नहीं रहता कि लेबर के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके, इनका ध्यान ज्यादा किस चीज के ऊपर रहता है कि कैसे अपनी आइडियोलॉजी और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके. ठीक है, और इसी वजह से जो ये प्रोसेस है इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग का, इट टर्न्स आउट टू बी अ फेलियर. ऑलराइट, ये एक फेलियर रिजल्ट करता है इंडिया के केस में. सो फेलियर टू रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग में रिजल्ट इन द एडॉप्शन ऑफ अदर मींस लाइक स्ट्राइक्स और लॉकआउट. अगर अब ये अचीव नहीं होता तो इससे दूसरे मेथड्स के ऊपर आप जाते हैं. थर्ड चीज जो थी लीगल एनेक्टमेंट. अब लीगल एनेक्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, यूनियंस जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर्स में इलेक्शन लड़वाती हैं और लेजिस्लेचर में बेचती हैं. अब लेजिस्लेचर में जाकर, पार्लियामेंट में जाकर ये लोग जो हैं ये लेबर और वर्किंग क्लास के कंसर्न्स को वहां पर हाईलाइट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को कन्विंस करते हैं ताकि वो ऐसे लॉज इनएक्ट कर सकें जो वर्किंग क्लास के लिए बेटर वर्किंग और कंडीशंस जो हैं उनको लेकर आ सकें. ऑलराइट, अब ये लॉज जब एक बार इनएक्ट हो जाते हैं तो ये एक तरह से लीगल राइट्स जो हैं वो वर्कर्स को दे देते हैं. ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि इस लीगल एनेक्टमेंट में और कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है. अब जैसे आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर भी ये एक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनियंस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है. सो अल्टीमेटली ये भी एक प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन के, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है एनकरेज करते हैं ताकि वो ऐसे एनेक्टमेंट्स पास कर सकें जो बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोट करें लेबर क्लास के लिए. अभी डिफरेंस कैसे, डिफरेंट कैसे है म्यूचुअल इंश्योरेंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग से. देखो डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है, बेसिकली जो म्यूचुअल इंश्योरेंस है और कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो कोई पर्टिकुलर यूनियन अपने मेंबर्स के लिए अडॉप्ट कर रही है मेथड, पर अगर कोई लीगल इनएक्टमेंट आता है तो वो पूरे जनरली जो है पूरी वर्किंग क्लास को इंपैक्ट करेगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई सरकार ने कोई कानून बना दिया किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के लिए, सरकार अगर कानून बनाएगी तो उसमें सारे आ जाएंगे. ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस होता है लीगल एनएक्टमेंट में म्यूचुअल इंश्योरेंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग के कंपैरेटिवली. ओके चलिए, ऑलराइट, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक दिस लेक्चर टू बिग फॉर यू गाइज. मुझे लगा था कि मैं आपको सारा इसी लेक्चर में कवर करा दूंगा, पर ज़्यादा आपके लिए लेक्चर लेंदी हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी. तो मैं अभी का लेक्चर यहीं पर इसको एंड करूँगा, बाकी का जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो है उसमें आपके आंसर दे दिया जाएगा. किसी को कुछ क्रिटिसाइज़ करना हो तो सभ्यता बनाए रख के आप वो भी कर सकते हैं. बाकी उसके अलावा आप मेल कर सकते हैं shikshit@gmail.com पर. And you can also contact us on this number. All right. Okay. So please subscribe the channel अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, और bell icon press कर दीजिएगा ताकि आपको regular updates मिलते रहें. So thank you very much. All the best and bye bye.